सो हे व्हाट्स अप पब्लिक, कैसे हो आप सभी। सो बेसिकली देखो टुडे वी आर बहुत हुआ, गोइंग टू मुझे टॉक भी अपना खुद का अबाउट, पहचान बनाना। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपना खुद का पहचान बनाना बस। मतलब ये कि देखो यार, इतने दिनों से मैं काम कर रहा हूँ लेकिन कभी कभी वीडियो बना देता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे जानते हो। मतलब यार मेरा कोई अस्तित्व अस्तित्व हाँ मेरा अस्तित्व कोई अस्तित्व है कि नहीं है। मतलब इतने दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ लेकिन मुझे कोई पहचानता ही नहीं है। तो मैं कुछ नहीं जानता, आज मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आप बताओ मैं। अरे लेकिन ये वीडियो मैं बना रहा था। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, आज आपको बताना पड़ेगा कि आप हो और मैं हूँ। आज क्लियर करना पड़ेगा। अरे लेकिन मैं ये कह रहा था कि मैं इस आज वीडियो में, कहा ना, लेकिन लेकिन आज कुछ नहीं चलेगा, आज आपको बताना ही पड़ेगा। अरे सब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस वीडियो में तुझी को तो मिलाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देख पूरा बात सुन ले अगर पहले। हाँ सच में। अरे हाँ यार, थंबनेल नहीं देखा आज का क्या? नहीं रुको, देख क्या तो जल्दी देख क्या। सो हे व्हाट्स अप पब्लिक, कैसे हो आप सभी। सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू शूट डबल रोल वीडियोस। अब देखो स्टार्टिंग में आप लोगों ने कुछ सैंपल देखा तो आई होप कि आप लोग अच्छा लगा होगा। और मैं पिछले चैनल पे, जो मतलब पिछले चैनल बोल रहा हूँ, मतलब जो मेन चैनल जैसे बोल सकते हो, उस पर मैं काफ़ी सारे मतलब शॉर्ट शॉर्ट मूवीज़ अपलोड करता हूँ। तो उसमें काफ़ी सारा ये यूज़ करता हूँ, काफ़ी ये टेक्निक काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। काफ़ी बड़े बड़े क्रिएटर्स यूज़ करते हैं, जैसे आशीष अंचलानी, मतलब बहुत सारे लोग यूज़ करते इस टाइप की चीज़। बेसिकली आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप भी इस टाइप का वीडियोज़ को क्रिएट कर सकते हो। मैंने बेसिकली देखा जाए तो सिंपल क्रिएट किया, या फिर आप बोल सकते हो थोड़ा हार्ड वाला भी क्रिएट। मतलब अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये सिंपल लगता है या फिर हार्ड लगता है, ठीक है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहो। आज मैं आप लोगों को इसे ये बताने वाला हूँ कैसे आप भी डबल रोल वीडियोज़ को बना सकते हो। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कृष्ण। अच्छा ये पिछले चैनल वाला याद आ गया। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो इस वीडियो को मैं डिवाइड करता हूँ दो पार्ट में, जिससे कि फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे इसका शूटिंग, यानी कि शूट कैसे करना है, और सेकेंड पार्ट पोस्ट प्रोडक्शन, मतलब एडिटिंग, समझ जाओ। तो शूट करने के लिए देखो, ये डबल रोल मतलब तीन टाइप से बेसिकली होता है। जैसे फर्स्ट जो आपने सैंपल में देखा, जो सामने फर्स्ट एक ही एंगल से आपने नोटिस किया होगा, तो वो सिर्फ एक ही एंगल से था, तो आप एक एंगल से दिखा सकते हो डबल रोल। दूसरा ऑप्शन इसमें रहता है जो साइड बाय साइड दिखाते, जो कि मैं पिछले मतलब वो जो चैनल है जिसपे शॉर्ट मूवी अपलोड करते उस पर मैं दिखाता हूँ, या फिर आप काफ़ी सारे क्रिएटर्स को देखेंगे तो साइड बाय साइड यूज़ करते हैं। और तीसरा इसमें सबसे बेस्ट रहता है तीसरा वाला, उसमें मतलब बेसिकली होता क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन रहता तो बेस्ट तो लगेगा ही। तो आप तीन तीन तरह से बेसिकली डबल रोल क्रिएट कर सकते हो। अब मैं सारा बता देता हूँ, दोनों बता देता, तीसरा अपने आप समझ जाओगे। तो देखो फर्स्ट कैसे करते हैं। अब इन तीनों में से कोई भी हो, आपको इस सभी चीज़ के लिए आपको एक चाहिए प्रॉपर स्क्रिप्ट। आपको एक स्क्रिप्ट पूरा अच्छे से एक एक डायलॉग लिख के होना चाहिए, ताकि आपका एक भी डायलॉग या फिर एक भी सीन मिस ना हो। अब यहाँ पे मैंने देखो दिखाता हूँ, मैंने स्क्रिप्ट तैयार करके रखा हुआ है, उस जो कि आपने स्टार्टिंग में देखा उसके लिए है। हाँ वही वाला देख सकते हो, मैंने स्क्रिप्ट रेडी करके रखा हुआ है। तो आपको भी कुछ इस टाइप से स्क्रिप्ट को रेडी करना है, एक एक डायलॉग को आपको लिख के रखना पड़ेगा, ताकि एक भी शॉट मिसिंग ना हो, एक भी रिएक्शन मिसिंग ना हो, सारा चीज़ लिख के रखना पड़ेगा सबसे पहला। अब बात करते शूट कैसे करें, तो इसके लिए सिंपली फर्स्ट मैंने जैसे कि बताया कि एक एंगल से शूट कैसे करते। एक एंगल से शूट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप फर्स्ट कैरेक्टर शूट करो, और उसके बाद क्या कर सकते हो उसी का मतलब जो अपना ड्रेस चेंज करो और सेकंड कैरेक्टर सेकंड रोल में आ जाओ, और दोनों कर लो, और उसके बाद आगे का चीज़ पोस्ट प्रोडक्शन में देख लिया जाएगा। ये हुआ फर्स्ट एंगल वाला डबल रोल, आप इजिली क्रिएट कर सकते हो। बस इसमें रिएक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा कि कब आपको कौन सा रिएक्शन देना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ की हम बात करें, मतलब वो जो साइड वाला साइड वाला रहता है दूसरा ऑप्शन, उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको एक आपका जो कोई दोस्त हो उसका हेल्प लेना पड़ेगा, जो आपके तरह दिखता हो, मतलब बॉडी शेप लगभग आपकी तरह मिलता जुलता हो तो काफ़ी अच्छा बनेगा। मतलब होता है कि आपको मतलब आपको सबसे पहले एक ड्रेस डिफाइन करना पड़ता है, मतलब एक फिक्स करके उस ड्रेस को रख लेना कि हमें इसी ड्रेस को यूज़ करना है, ठीक है। फर्स्ट जैसे फर्स्ट रोल आप प्ले कर रहे हो, तो फर्स्ट में आपको एक्टिंग करना, और साथ ही साथ आपको ब्लर दे देना, जैसे कि हम लोग करते हैं ना शूट कैसे करते हैं, बेसिकली साइड साइड शूट करते हैं, एक जो दूसरा कैरेक्टर उसका ब्लर हल्का सा ले लेते हैं और मेन जो एक्टिंग चल रहा होता है, तो बस वो आपको जो ब्लर लेना है वो उस ड्रेस का लेना है जो कि आपका दूसरा दोस्त पहन के रखेगा, या फिर आप पीछे शॉट ले सकते हो जिससे कि और भी रियलिस्टिक लगेगा। तो इस टाइप से आप डबल रोल वाला मतलब साइड साइड वाला डबल रोल क्रिएट कर सकते हो, दोनों साइड से कर लो और आगे का चीज़ पोस्ट प्रोडक्शन संभाल लेगा।
तो ये हुआ दूसरा चीज। और सबसे बेस्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने भी एक वीडियो में यूज किया हुआ पिछले चैनल, वो वाला चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हो, मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो आप उस टाइप से कर सकते हो। तीन तरीका आपको मैंने बता दिया शूट करने का, आपको तीन तरीका यहाँ पे हो गया, तीन तरीका से, मेन एंगल जो रहता है फर्स्ट एंगल से, और दूसरा जिसमें कि आप सेकेंड एंगल ऐड कर सकते हो, और तीसरा दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इस टाइप से आप काफ़ी इजीली शूट कर पाओगे। अब बात करते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग यानी कि एडिटिंग के बारे में। तो इसको क्या करना है, मैं यहाँ पे काइन मास्टर यूज़ कर रहा हूँ और लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें कि लेयर के साथ उसको स्पीड अप स्पीड डाउन सब कर सकते हो। आपके पास अगर जो अभी चल रहा है 5.0 आई थिंक चल रहा है, अगर नहीं है आपके पास इंस्टाग्राम पे आना, मैं आपको दे दूंगा लिंक, DM करना, मैं दे दूंगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ और ID आपको आसपास दिख रही होगी, वो काइन मास्टर आप इंस्टॉल करो। और उसके बाद क्या करना है, सिंपली मैं बात करता हूँ फर्स्ट वाले एंगल की। उसको क्या करना है, मेन एंगल जो जो एक्टिंग किया आपने पहले ले लो, सबसे ऊपर जो आपका मेन क्लिप है उसे छांट के रख लो, बाकी फालतू चीज़ डिलीट कर दो। और आपका जो दूसरा कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर को आपको लेयर में लेना है, क्योंकि हमें दोनों को एक साथ रखना है, तो आपको लेयर में रखना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो जैसे कि मैंने बताया, लेटेस्ट जो काइन मास्टर आया उसमें स्पीड वाला जो ऑप्शन रहता है, लेयर में भी आप चेंज कर सकते हो, तो रिएक्शन मैच करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अब आपको क्या करना है दोनों को सिंक करने के लिए, देखो सबसे पहले आपको हाफ हाफ क्रॉप कर लेना, लेयर वाला जो है उसको हाफ क्रॉप कर लो, और क्रॉप करते के साथ आपको हो सकता है पता चल जाए या फिर जो लाइटिंग इधर उधर हो जाए। तो सूट में एक चीज़ बोलना भूल गया, आपको फोकस को और एक्सपोजर को लॉक करके रखना है। और यहाँ पे आपको सिंपली उसके बाद क्या करना है कि क्रॉप में जो रहता है फेड वाला एक ऑप्शन, मतलब क्या बोलते हैं इसको, फेदर वाला ऑप्शन, फेदर वाला जो, उसको थोड़ा बढ़ा लेना, जिससे कि होगा ये कि फेदर आ जाएगा, जिससे कि मतलब पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे दूसरा लेयर ऐड किया गया है, मतलब फेदर टाइप आ जाता है जिससे कि पता नहीं चलता है। तो वो चीज़ आप ऐड करोगे, और ये हो गया मेन एंगल की बात। इस टाइप से आप कर लो ना सारा एडिट, हो जाएगा आपका, ये मेन एंगल का बात हो गया। सेकेंड एंगल, सेकेंड तो और भी इजी है, आसानी से कर सकते हो, पहले ये वाला डाला उसके बाद सेकेंड वाला डाला, फर्स्ट और सेकेंड ऐसे करके भी कर सकते हो एडिट, और कॉम्बिनेशन भी इजीली कर सकते हो, दोनों को कंबाइन कर दो, हो जाएगा। मेन आपका फर्स्ट वाला आना चाहिए, मेन वाला जो एडिटिंग रहता है वो आना चाहिए। कैसे करते हैं मैंने आप लोगों को बता ही दिया, आपको मेन शॉट लेना, उसके ऊपर लेयर लगा देना, और उसको क्रॉप करके अच्छा से फेड जो भी चीज रहता है फेदर वो अप्लाई कर देना। और ये सब जब आपका हो जाए, मेन बात आता है कलर मैच करने वाला, क्योंकि हो सकता है कि जो आप शूट करो, अब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था बट काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है, इसमें नहीं हुआ था लेकिन काफ़ी टाइम हुआ है। इसमें आपको करना क्या रहता है कि आपको थोड़ा बहुत जो लेयर है उसका एक्सपोजर ऊपर नीचे करके, कॉन्ट्रास्ट इधर उधर करके देखना, शैडो घटा बढ़ा के देखना, आपका मैच हो जाएगा। मैच होने के बाद आपको एक बार कलर करेक्शन कर लेना है, पूरा टोटल का एक्सपोर्ट मार के कलर ग्रेडिंग कर लो, आ जाएगा काफ़ी अमेजिंग आउटपुट, और काफ़ी अच्छा लगा, रियलिस्टिक डबल रोल लगने लगेगा। तो इस टाइप से आप काफ़ी इजीली डबल रोल वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो, काफ़ी सिंपल था ना। और आप अपने भी शॉर्ट मूवी अगर बना रहे हो तो उसमें भी यूज़ कर सकते हो डबल रोल वीडियोस को। आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगेगी इस वीडियो को करना लाइक, चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टा पे नहीं हो तो आ जाओ फॉलो करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।